टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 8 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, रूरल लाइवलीहुड्स। जैसा कि आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था पिछले पार्ट में कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रूरल इंडिया में कौन से प्रोफेशंस फॉलो किए जाते हैं, लोग अपनी लिविंग कैसे अर्न करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये चैप्टर मोस्टली स्टोरीज से ही बना हुआ है जो कि कल्पट्टू विलेज और पुदुपेट विलेज में सिचुएटेड है। और इसके पहले हम तुलसी, सेकर और रामलिंगम की स्टोरीज पढ़ चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं कि उनकी स्टोरीज से हमने क्या सीखा, व्हाट डिड वी लर्न। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेरिस फार्मिंग इन नागालैंड से, तो एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टेरिस फार्मिंग इन नागालैंड। नागालैंड में एक विलेज है शिजामी जो कि फेक डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। यहाँ के जो लोग हैं वो चाकेसांग कम्युनिटी के हैं और ये टेरिस कल्टिवेशन करते हैं। इसका मतलब क्या है, टेरिस फार्मिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब नागालैंड में जो हिल्स का रीजन है वहां पे लैंड को फ्लैट कर दिया जाता है, फ्लैट प्लॉट्स डिवाइड कर दिए जाते हैं और इस तरह से कार्व किए जाते हैं जैसे कि स्टेप्स हो, सीढ़ियां होती है ना, स्टेप्स, बस वैसा ही बना देते हैं लैंड को। हर प्लॉट के जो साइड्स होते हैं उनको थोड़ा सा रेज कर दिया जाता है जिससे पानी नीचे ना जाए, पानी उसी के अंदर, उस एरिया के अंदर रिटेन हो पाए, रुक पाए। इससे क्या होता है, पानी नीचे नहीं बह जाता है, उसी खेत के अंदर या उस लैंड के प्लॉट के अंदर पानी रिटेन रहता है जिससे कि राइस का कल्टीवेशन हो सकता है, क्योंकि राइस कल्टीवेशन में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप ये समझो कि वो हिल को काट के, कार्व करके फ्लैट प्लॉट्स ऑफ लैंड बनाते हैं जहाँ पे वो फार्मिंग करते हैं और उन प्लॉट्स ऑफ लैंड के साइड्स को थोड़ा सा हाई कर देते हैं जिससे पानी नीचे ना बह जाए और खेत के अंदर ही रहे। इसको कहते हैं टेरिस फार्मिंग। शिजामी के जो लोग हैं उनके सबके इंडिविजुअल फील्ड्स हैं, सबके खुद के फील्ड्स हैं, लेकिन वो साथ में मिलके एक दूसरे के फील्ड्स में भी काम करते हैं। 6 से 8 लोगों का ग्रुप बना के माउंटेन का एक साइड लेते हैं और वहाँ की सारी वीड्स साथ में मिलके साफ कर देते हैं। जो जंगली घास उग जाती है ना, जिसको वीड्स कहते हैं, उसको साफ करने के लिए इस तरह के ग्रुप्स बनाते हैं और मिलके काम करते हैं। और एक बार जब काम खत्म हो जाता है तो शाम को सब मिलके साथ में खाना खाते हैं और यही चीज चलती रहती है कई दिनों तक, जब तक काम कम्प्लीट ना हो जाए। तो आप देख सकते हो फार्मिंग के अंडर में उन्होंने कितनी अच्छी कम्युनिटी बना ली है आपस में, जहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इतने अच्छे से फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। फिर हम आते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स और स्मॉल फार्मर्स पे। तुलसी की स्टोरी और सेकर की स्टोरी से हमें ये समझ में आ गया था, तुलसी एक एग्रीकल्चरल लेबरर थी और सेकर जो थे वो एक स्मॉल फार्मर थे। तो उनकी स्टोरी से हमें काफी आइडिया लग गया था कि इन लोगों को अपने प्रोफेशंस में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इंडिया में नियरली 2 out of 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज, मतलब रूरल इंडिया में हर 5 फैमिलीज में से ऑलमोस्ट 2 फैमिलीज एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। दैट मेक्स इट 40%। 2 out of 5 कितना हुआ, 40%। ये सारे लोग उस काम पे डिपेंड करते हैं जो इनको दूसरों के फील्ड्स में मिलते हैं। इनमें से काफी जो होते हैं वो लैंडलेस होते हैं, मतलब उनके खुद के पास कोई लैंड नहीं होता है, या फिर हो सकता है इनमें से कुछ लोगों के पास बहुत छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड हो जहाँ पे ये थोड़ा बहुत ही एग्रीकल्चर कर पाए। स्मॉल फार्मर्स जैसे कि सेकर, उनके केस में वो खुद की खेती तो करते हैं लेकिन उनके पास इतना प्रोडक्शन नहीं होता है कि वो अपनी सारी डिमांड्स को, अपनी सारी नीड्स को मीट कर पाए, मतलब अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर पाए। और इंडिया में अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स ऐसे ही स्मॉल फार्मर्स हैं। 20% जो इंडिया के फार्मर्स हैं वो लार्ज फार्मर्स हैं और विलेज का जो काफी सारा लैंड है वही लोग कल्टिवेट करते हैं, वही लोग उसमें खेती करते हैं और वो लोग जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें से काफी हिस्सा वो है जो मार्केट्स में सेल किया जाता है। ये जो लार्ज फार्मर्स होते हैं ये कुछ और काम भी करते हैं साथ में, जैसे कि इनमें से काफी लोग शॉप्स खोल देते हैं या फिर मनी लेंडिंग करते हैं, दूसरे लोगों को पैसे देते हैं उधार पे, ट्रेडिंग करते हैं या छोटी फैक्ट्रीज खोल लेते हैं, इस टाइप के दूसरे काम भी करते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो था फार्मिंग के बारे में। सो वी नाउ नो दैट मेनी फैमिलीज इन रूरल इंडिया प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, वो फार्मिंग करते हैं, लेकिन सब लोग फार्मिंग नहीं करते हैं, कुछ और भी काम करते हैं जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। सो अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग दूसरे काम भी करते हैं जैसे कि एनिमल्स को पालना, दूध का प्रोडक्शन, डेयरी का प्रोडक्शन करना, फिशिंग करना एक्सेट्रा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल इंडिया में काफी सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे फार्मिंग तो इम्पोर्टेंट है ही लेकिन वहाँ पे फॉरेस्ट भी हैं, तो फॉरेस्ट से सामान लाके कलेक्शन करना वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइवलीहुड है, क्योंकि फॉरेस्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको बेच के या जिसको यूज करके रूरल फैमिलीज पैसे कमा सकती हैं, जैसे कि क्या, महुआ, तेंदू लीव्स, हनी, इस टाइप की कोई भी चीजें जो वो फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं उनको वो ट्रेडर्स को बेचते हैं जिससे इन फैमिलीज को पैसे मिलते हैं। कुछ फैमिलीज जो होती हैं वो विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिल्क भी सेल करती हैं, या फिर हो सकता है जो आसपास के टाउन्स हैं, थोड़े बड़े सिटीज हैं, टाउन्स हैं, वहां पे जाके मिल्क सेल करें, इससे भी वो पैसे कमाते हैं। और कोस्टल एरियाज में जो सी के पास जो एरिया सिचुएटेड है वहां पे लोग फिशिंग करके भी अपना घर चलाते हैं।
इसी से रिलेटेड हमारी थर्ड स्टोरी है जो पुदुपेट विलेज में सिचुएटेड है। एक विलेज है पुदुपेट जो कल्पट्टू विलेज के पास है और यहाँ पे लोग फिशिंग करके पैसे कमाते हैं। इनका जो घर है वो सी के पास है इसीलिए फिशिंग कर पाते हैं और मेन जो भी फिश पकड़ के लाते हैं जो विमेन ऑफ द हाउस होती हैं वो लोकल मार्केट में उसको सेल करती हैं। और ये सब काम जो भी है ये सुबह सुबह शुरू हो जाता है, मतलब सुबह 7 बजे लोग फिश पकड़ के वापस भी आ जाते हैं। जो बड़ी बड़ी कैटमरान्स होती हैं, जो बोट्स होती हैं, वो फिश के साथ रिटर्न करती हैं अपने कैच के साथ और जितनी भी विमेन है वो सब इकट्ठा होती हैं वहां पे फिश को बाय और सेल करने के लिए। जो थर्ड स्टोरी है वो है अरुणा और पारिवेलन की। अरुणा और उनकी फैमिली पुदुपेट विलेज में रहते हैं। उनके हस्बैंड का नाम है पारिवेलन, तो वो उनके ब्रदर और उनके ब्रदर इन लॉ साथ में मिलके कैटमरान्स में फिश पकड़ने जाते हैं। जो भी फिश पकड़ के लाते हैं अरुणा उसमें से कुछ फिश साइड में रख देती है अपने घर के लिए जो वो लोग खाएंगे एज अ फैमिली, और बाकी फिश जो भी है वो उसको सेल कर देते हैं, ऑक्शन कर देते हैं। जो उस फिश के सबसे ज्यादा पैसे देगा वो फिश उसको दे दी जाएगी। इसको कहते हैं ऑक्शनिंग, ठीक है। तो अब हमें अरुणा और पारिवेलन का काम तो समझ में आ गया, लेकिन अब समझते हैं उनका मनी मैनेजमेंट, वो पैसे कैसे मैनेज करते हैं। फिश को ऑक्शन करने के बाद जो भी पैसे मिलते हैं उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक पारिवेलन और अरुणा का, दूसरा उनके ब्रदर का, तीसरा उनके ब्रदर इन लॉ का और फोर्थ इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट मतलब जो कैटमरान जिसमें वो फिशिंग करने जाते हैं उसका, उसके इंजन का, उसके नेट्स का, क्योंकि इन सब का भी तो खर्चा होता है ना। आपको बोट को मेंटेन करना है, उसके इंजन को मेंटेन करना है, जिस नेट में आप फिश को पकड़ते हो उसको मेंटेन करना है, ये सब चीजें भी खराब होती हैं तो उसमें भी पैसे लगते हैं। तो जो फोर्थ हिस्सा है वो इन सब इक्विपमेंट की मेंटेनेंस के लिए जाता है। अब क्योंकि कैटमरान इंजन और नेट्स जो हैं वो अरुणा और उनके हस्बैंड के हैं तो ये फोर्थ हिस्सा भी उन्हीं को मिलता है। अब ये जो बोट के इंजन आते हैं कैटमरान्स के, ये सस्ते तो आते नहीं है, तो इसको खरीदने के लिए अरुणा और पारिवेलन ने बैंक से लोन लिया था। उससे उन्होंने इंजन खरीद के कैटमरान पे लगाया था और इस इंजन की वजह से अब वो सी में ज्यादा दूर तक जा पाते हैं, क्योंकि ये वाला इंजन ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा अच्छा है और इसकी फोर्स की वजह से अब वो सी में ज्यादा दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा बेटर फिश पकड़ पाते हैं। फिश ज्यादा अच्छी पकड़ेंगे तो पैसे भी तो ज्यादा अच्छे मिलेंगे ना। फिर जो भी लोग, मोस्टली विमेन, जो पुदुपेट से फिश खरीदती हैं वो दूसरे आसपास के टाउन्स और विलेजेस में जाके उनको सेल करती हैं। और सिर्फ विमेन ही नहीं खरीदती हैं, ट्रेडर्स भी काफी बार डायरेक्टली पुदुपेट विलेज में ही आके फिश को खरीदते हैं। मतलब अगर आप और आगे से खरीदोगे तो आपको बहुत महंगी मिलेगी ना, अगर डायरेक्टली सोर्स पे जाके खरीद लोगे तो सस्ती मिल जाएगी। तो ट्रेडर्स भी काफी प्रिफर करते हैं कि वो पुदुपेट विलेज डायरेक्टली आके वहीं से फिश खरीद के फिर कहीं और बेचेंगे। ऑक्शन जो है, फिश का जो ऑक्शन होता है, ये 12 बजे तक दोपहर में फिनिश हो जाता है और शाम को अरुणा, उनके हस्बैंड और उनके जो भी रिलेटिव्स हैं जो फिशिंग करते हैं, ये लोग सब मिलके नेट्स को अनटैंगल करते हैं, रिपेयर करते हैं और अगले दिन की तैयारी करते हैं अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock। तो यही इनका रूटीन चलता रहता है साल के काफी महीनों में। लेकिन हर साल अराउंड 4 months के लिए, जितने समय तक मानसून रहता है, जितने समय तक बारिश का मौसम रहता है, उस समय फिश का ब्रीडिंग सीजन भी होता है जिसमें नई फिश बॉर्न हो रही होती है। इस समय फिशिंग करना सही नहीं होता है। सो दीज आर कॉल्ड द लीन मंथ्स, क्योंकि इसमें जो फिशरमैन है वो फिशिंग नहीं कर सकते। इन महीनों में उनको ट्रेडर्स से पैसे बोरो करके सर्वाइव करना पड़ता है, क्योंकि फिशिंग तो आप कर नहीं सकते, पैसे कहाँ से कमाओगे। तो इसकी वजह से काफी बार उस लोन को चुकाने के लिए बाद में जब फिशिंग करना फिर से अलाउड हो जाता है, तब जो वो फिश पकड़ते हैं तो वो उन ट्रेडर्स को थोड़े सस्ते दाम में बेच देते हैं उस लोन को चुकाने के लिए। तो ये जो कुछ महीने होते हैं, ये जो लीन मंथ्स होते हैं, दीज आर डिफिकल्ट टू सर्वाइव, क्योंकि उसमें उनका जो अकेला सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है जिससे वो पैसे कमाते हैं वो ही करना अलाउड नहीं होता है, वो ही नहीं कर पाते। काफी बार इन लोगों को इस बात से भी सफर करना पड़ता है जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल सुनामी। सी के पास तो सुनामी एक मेजर प्रॉब्लम है। सुनामी क्या होता है, जब सी में, सी के फ्लोर पे अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से बहुत बड़ी वेव्स बन जाती है, जो वेव्स लैंड पे आके डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। तो अगर ऐसी नेचुरल कैलामिटीज आती हैं तो उससे भी इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। सो ये एक बेसिक लाइफस्टाइल है उन लोगों की जो फिशिंग प्रैक्टिस करते हैं, जिनका मेन लाइवलीहुड इज फिशिंग। सो व्हाट हैव वी अंडरस्टूड सो फार, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, बेसिक लाइवलीहुड्स क्या है रूरल इंडिया की। कुछ लोग फार्म्स पे काम करते हैं और कुछ लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज से पैसे कमाते हैं। जो भी लोग फार्म्स पे काम करते हैं उनको अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे अपना लैंड प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर सीड्स डालनी पड़ती हैं, जो जंगली घास या वीड उग जाती है उसको हटाना पड़ता है, क्रॉप्स जब तैयार हो जाते हैं तो उनको हार्वेस्ट करना होता है, उनकी कटाई करनी होती है जिससे फिर उसको सेल कर सके। सबसे ज्यादा बिजी लोग तब होते हैं जब आपको सोइंग करनी है, मतलब जब आप बीज डाल रहे हो, और जब आपको हार्वेस्टिंग करनी, मतलब जब आप क्रॉप्स की कटाई कर रहे हो, तब सबसे ज्यादा काम होता है।
तो ये जो भी काम है ये एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे करने पड़ते हैं। मतलब पहले आप बीज डालोगे, फिर थोड़े दिनों बाद उसमें प्लांट्स आएंगे, फिर उसके कुछ टाइम बाद आप वीडिंग करोगे और लास्ट में आप हार्वेस्ट करोगे। ये जितने भी क्रॉप्स उगते हैं ये नेचर पे डिपेंड करते हैं, सीजन्स पे डिपेंड करते हैं, और इसीलिए जो काम है वो भी सीजनल होता है। किसी किसी सीजन में ज्यादा काम होता है और कभी कभी कम काम होता है। जब आप बीज डाल रहे होते हो और जब आप क्रॉप्स की कटाई कर रहे होते हो तब सबसे ज्यादा काम होता है, और बाकी महीनों में ज्यादा काम नहीं होता है। सो दिस वर्क इज सीजनल। और ऐसा ही दूसरे प्रोफेशंस में भी होता है, जैसे कि हमने फिशिंग में देखा था, पूरे साल उतना काम नहीं होता है, बीच में कुछ महीने होते हैं जिसमें आप काम नहीं कर पाते। सो मेनी फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सन्स, ऐसे कई सारे जो प्रोफेशंस हैं विलेजेस में, इनको पूरे साल काम नहीं मिलता है। कुछ कुछ महीने ऐसे हो सकते हैं जिसमें इनके पास काम ना हो। पर इन सारे प्रोफेशंस में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है, ये हमें मालूम है कि कई सारे लोग लेबरर्स की तरह काम करते हैं, काफी सारे जो फार्मर्स हैं वो अपने लिए भी क्रॉप्स उगाते हैं और मार्केट में सेल करने के लिए भी क्रॉप्स उगाते हैं। काफी बार फैमिलीज को अपने सर्वाइवल के लिए पैसे बोरो करने पड़ते हैं जब उनके पास काम अवेलेबल नहीं होता है या जब काम का सीजन नहीं होता है तब। और जिन ट्रेडर्स से उन्होंने पैसे बोरो किए होते हैं, काफी बार उनको अपना जो प्रोड्यूस है वो उन ट्रेडर्स को कम दाम पे बेचना पड़ता है उस लोन को चुकाने के लिए। तो इससे हमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें मालूम पड़ गई। पहला कि लोग कैसे सर्वाइव करेंगे या वो कैसे अर्न करते हैं, ये डिपेंड किस चीज पे करता है, उस लैंड पे जिसको वो कल्टिवेट कर रहे हैं, वो कितना बड़ा है, किस चीज का है, वहां पे क्या उगाया जाता है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उनकी अर्निंग क्या होगी और वो कैसे सर्वाइव करेंगे। कंट्री के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं, हमें ये भी मालूम पड़ गया। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट कि चाहे वो किसी भी रीजन में हो और उनके बीच में जितने भी डिफरेंसेस हो, लेकिन उनकी जो लाइफ सिचुएशंस हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी एवरीडे लाइफ में काफी सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। सो देयर लाइफस्टाइल मे बी डिफरेंट बट देयर लिविंग कंडीशंस आर वेरी सिमिलर। इसी के साथ हमने ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। I'll see you guys next time with the next chapter. Tab tak ke liye stay safe and study well. Bye bye.